अशोक ने जब हिंदू धर्म छोड़ के बुद्धिज्म का प्रचार करना स्टार्ट करा तब जाके मौर्य डायनेस्टी का भी अंत एक तरीके से स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि उन्होंने वैदिक नीतियों को छोड़ के जो उनके पुरखे इस्तेमाल किया करते थे उन्होंने एक नास्तिक दर्शन बुद्धिज्म को अपनाया जिसमें वो अहिंसा परमो धर्म कह के अपने राज्य का ही नुकसान कर रहे थे। और यही सारी चीजें आगे पास ऑन होती गई उनके ही सक्सेसर्स को, जिनमें से एक थे बृहदत्त। बृहदत्त के टाइम पे हालत इतनी खराब हो गई थी कि गुरु आश्रमों की जगह बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बनने लगी। गंगा के तट जरूर थे लेकिन गंगा के तटों पर स्नान करने के लिए गुरु नहीं थे, लेकिन बृहदत्त के खिलाफ खड़े हो गए उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जो कि एज में काफी यंग थे लेकिन जन्म से एक जनेऊधारी ब्राह्मण भी थे। उनसे अपने देश की ये दशा देख ही नहीं जा रही थी, जिस वजह से उन्होंने 20 सभा में बृहदत्त को युद्ध के लिए चेतावनी दे दी और बृहदत्त को वहीं पर खात्मा कर दिया। उसके बाद में मौर्य डायनेस्टी की लगाम चले गए पुष्यमित्र शुंग के हाथ में और उनकी डायनेस्टी को बोला गया था शुंग डायनेस्टी, जिन्होंने राज करा कुछ 100 से लेकर 110 साल तक। और इस पीरियड में बुद्धिस्ट लोगों की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्होंने अपने बुद्धिस्ट टेक्स्ट में पुष्यमित्र शुंग को द टायरेंट फॉर बुद्धिज्म तक कह दिया।